सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे सारे उपसो सारे के सारे बड़े होंगे नहीं होंगे तो हम बना देंगे तुम्हें बढ़िया। सो फाइनली भाई आज के एक और एपिसोड के साथ एंड मम्मी के साथ एपिसोड बना रहे वाला। सो अब देखो इस वीडियो का तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। सिर्फ थग लाइफ पे रिएक्ट करना ये हमारा मतलब वो नहीं है, मोटो नहीं है। एक्चुअली क्या है, तारक मेहता मम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद है, मतलब थोड़ा बहुत पसंद है। मतलब वो बोलते क्या बकबक करते रहते हैं, अपसेट मत हो ना, मुझे बहुत पसंद है। तो मतलब हमें हमारा काम है यार अच्छी चीज़ें मम्मी को पसंद करवाना। तो मैंने सोचा कि भाई सबसे फनी कैरेक्टर ऑब्वियो है जेठालाल है, तो उसके हमने थग लाइफ निकाला। अब अगर इसमें बहुत सारे क्लिप्स हैं, उसमें से अगर एक भी मम्मी हंस जाती तो सोच लेना हम जीत गए। तो चलते हैं देखते हैं क्या है अंदर, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। सो लेट्स गेट इन। और बिफोर वी स्टार्ट, ऑल द तारक मेहता फैंस भाई डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम लोग लाते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस, रोज एक एंटरटेनमेंट वीडियो डाल रहा हूँ मैं इधर, और भी बहुत सारे वीडियोस, तो करके देना, भूलना मत, लाइक कर देना। लेट्स गो। या किसको फोन कर रहे हो, तो पुलिस का? क्या हुआ? कान का। अरे हाँ मैंने दिया तो था ही नहीं, सॉरी। इस साइड लगा। हाँ रेडी, तू भी बोल नहीं रही है मेरे को। रेडी, लेट्स गो। या किसको फोन कर रहे हो, तो पुलिस का? अरे नहीं नहीं, पुलिस को फोन नहीं किया जेठालाल, ये तो किसी पनौती को फोन किया। तो फंस गया। ये पनौती कौन है? इसका साला है। चलो अपन जीत गए फर्स्ट क्लिप से। इधर क्या आग लगी है कि फायर ब्रिगेड वाला को बुलाना ही पड़ेगा? जेठालाल ऐसी आपातकालीन स्थिति में अग्निशमक दल ही लोगों की मदद करता है। ये जो डॉक्टर हाथी है ना, रेस्ट इन पीस, ये असलियत में नहीं है अभी। आई नो। हाँ तो ये रिक्शा में फंस गए थे, तो उसलिए वो बोलते हैं फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। तो बोलते हैं इसमें क्या आग लगी है, क्या फायर ब्रिगेड को बुलाएगा? इधर क्या आग लगी है कि फायर ब्रिगेड वाला को बुलाना ही पड़ेगा? जेठालाल ऐसी आपातकालीन स्थिति में अग्निशमक दल ही लोगों की मदद करता है। बाद में टप्पू जिद नहीं करते, खा ले। बाजू में रहिए ना। ये देख बहू, टप्पू खाना नहीं खा रहा है। टप्पू ये गलत बात है, अरे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हमें हर सब्जी खानी चाहिए। तो बापू जी ने बचपन से सब सब्जी खाई है, तो देख कैसी है बॉडी। खत्म गया। वो मैं दया को ढूंढ रहा था। एक बात मालूम है इसमें, ने जो बापू जी है ना, ये कितने साल का लगता होगा तेरे को? 60-70 का। और जेठालाल 40-50। ये बंदा ना जो, ये जेठाल से भी छोटा है। ओके okay. हाँ ये जेठालाल उल्टा बड़ा, ये बहुत ही कम 45 का है ये। उसको लुक कैसा बना देते ना, जैसे कि असलियत में बूढ़ा हो। सॉरी सॉरी, वो दो मिनट हमारी काम वाली आई थी, अभी डांडिया खेल रही है बर्तनों के साथ, तो तुम्हें थोड़ी आवाज आवाज आए, तो इग्नोर कर देना ठीक है ना। उसे चालू करते। खत्म गया। वो मैं दया को ढूंढ रहा था, आपको मालूम होगा कहाँ है? रंगोली के पास। अच्छा। 2000 years later. ये रंगोली कहाँ है? बहू के पास। अच्छा। 6.5 hours later. दोनों कहाँ है? आसपास। ये आसपास कहाँ होगा? Run. हेलो। हाँ कौन बोल रहा है? एक मिनट जरा। घर में इतना अच्छा एटमॉस्फेयर लगता है ना, सुबह सुबह वो चाय पी रहा होता है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, फिर कुछ कर रहा होता है इनका, बहुत ही लाइक घर का इंटीरियर भी अच्छा है। और ये पता है सब नकली है, मैंने देखा, बताया था एक बार तारक मेहता का बिहाइंड द सीन्स में, सब सब नकली रखते हैं ये लोग, बट इनका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बाप बेटे का बहुत अच्छा है। हाँ अबू जी, गाँव से नाथिया का फोन है। किसका? नाथिया। ये डोबा, मुझे पता है नाथिया कौन है। आपका साथिया है? बबीता जी को फोन करता हूँ। इसकी क्रश है बबीता। क्या कपड़े पहने? हेलो बबीता जी, कौन? जेठा। कौन बोल रहे? अरे जेठालाल। इसकी दिल से लग गई होगी भाई ये। जेठा जी हाय। हेलो। हम लोग आप ही के घर पे आ रहे थे। क्यों? ये रसगुल्ले देने थे आपको। नहीं चाहिए रसगुल्ले। अपनी खुद कर सीखा। मूवी का ट्यून निकल रहा है।
बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तू अभी मुंबई मत आना। वो क्या है कि इस साल हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हम लोग होली नहीं मनाने वाले। अच्छा हुआ जीजा जी आपने मुझे जल्दी बता दिया, मैं अभी निकलने वाला ही था। ले तो बहुत टाइम पे फोन किया मैंने। हाँ तो पक्का तुम्हें मुंबई मत आना भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बता दिया मुंबई। चलिए छोड़िए सेठ जी, आइए गन्ने का रस पीते हैं। तोता भाई, यहाँ मेरी लंका। तोता कौन है? तू क्या बागेश्वरी बन रही? इसकी बीवी का नाम जो ये भागा है, इसका नाम भागा है। भागा भाई। हाँ, इसकी बीवी का नाम क्या है? बागेश नहीं, क्या कुछ तो नाम है, कमेंट्स में बताना। वो है ना, हर एक को अलग बुलाते, जैसे जेठा है तो पेठा बोलेगे, पेठा लाल जी ऐसा करके। जी आइए गन्ने का रस पीते हैं। यहाँ मेरी लंका जल गई है, तुझे रस क्यों पड़े है? लंका? आप अपने आप को रावण समझते हो? और मेहता साहब कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ, सूरज अस्त, हम सब मस्त। दिन भर बाहर घूमते रहते हैं, रात में भी घर में पैर नहीं टिकता। खत्म, गया। हाँ ये बहू लेकर आई है मेरे लिए। भगवान ने बेटी से भी बढ़कर बहू दी है, खूब सेवा करती है मेरी। और बेटा भी तो श्रवण जैसा दिया है बाबू जी। नाश्ता कर ले। बड़ा लाल, तुमको कितनी बार बोलने का? और दूसरे तो मैं कॉमेडी सबसे ये अय्या लगता है, इसका एक्सेंट ऐसा है। ये तुम्हारा सब फ्रॉड है, जो कुछ भी है सिर्फ साइंस है, साइंस साइंस। तो अय्यर भाई, ये क्या कब से साइंस साइंस लगा रखा है? कुछ साइंस है कि नहीं? अगर आपका साइंस ही सब कुछ है तो मुझे बताओ कि आपका साइंस अब तक ब्लड क्यों नहीं बना पाया? गंजे से पर बाल उगाने का तरीका क्यों नहीं ढूंढ पाया आपका साइंस? म्यूजिक गंजा। तपो, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ। पापा, मैं भी आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे गंजा होना है, वरना वरना क्या? वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे तो क्या, तेरा बाप स्कूल जाएगा? ओके, आप जाना। खोटा खोटा बात बन, बड़ा है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई। ओके ओके, दैट वाज इट भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सारे क्लिप्स पे मम्मी हंस गई है, तो ये बड़ा अच्छे से हम लोग चैलेंज जीत गए। और लगता है आज के बाद मम्मी को भी, मतलब इंटरेस्टेड हो गए देखने में मेरे साथ। तो यस, जीते। तुम लोग बताओ तुम्हें कैसा लगा रिएक्शन, मजा आया तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दो, कमेंट्स में अच्छे अच्छे यू नो कमेंट्स छोड़ दो कि नेक्स्ट थग लाइफ लाओ, किसके ऊपर लानी वो भी बताओ, एंड मम्मी के साथ लानी कि नहीं लानी वो भी नीचे बता दो। लाइक करके जाना वीडियो को, तब तक मिलते तुमसे किसी और ऐसी रिएक्शन। तब तक स्टे सेफ, वेयर मास्क, टेक केयर एंड टाटा, थैंक यू सो मच। बड़ा हुआ मैं तो ये गेमों को खेल के, टिकटॉक और चूतियों की गाना हम पहले थे, गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेब्लेड, हल्का समझते अब कहता हूँ चेक में, स्कूल में तालिक तरह बुक कुत्ती क्लास में, दिखते ही दिखते हैं गुम हो गए बैचमेट, ओके मेले फ्रॉम द पीपल हु आर फेक, एम11 विद वुमन और अ स्नेक, अकेला काटा था मैंने बर्थडे केक, इमेजिनेशन में किया था बेक।